टिक वाली गाड़ी टिक स्टार्ट करने पर तेल ज़्यादा खाती है या सेल्फ स्टार्ट करने पर तेल ज़्यादा खाती है, इस क्वेश्चन का आंसर मांग रहे थे सब लोग। तो बहुत रिसर्च कर मैंने पता किया, तो जय गणपति पापा मोरिया। अच्छा स्टैंड ऊंचा नहीं है इसलिए। वेलकम टू न्यू ब्लॉग और जय श्री राम से ब्लॉग शुरू करते हैं। और शाम के बज रहे हैं 6 और ये है अपनी घरवाली रोड, और घर अपना हाईवे से थोड़ा सा दूर है, तो ये आ गई नेशनल हाईवे रोड। तो अपन 2 सेकंड में नेशनल हाईवे रोड चढ़ जाते हैं। तो ये अपन चढ़ गए नेशनल हाईवे रोड। अभी सामने आ गई पुलिस, तो पुलिस अपन को रोक सकती है, देखते हैं क्या करती है, रोकती नहीं रोकती वो पुलिस पे डिपेंड करेगी, पर रोक नहीं रही है पुलिस। तो ये आगे जोधपुर किसान हाईकोर्ट। अभी अपन चल रहे हैं पाली हाईवे जो जोधपुर की तरफ जाती है, और दोनों तरफ बहुत खूबसूरत पेड़ हैं, तो खुशबू बड़ी मस्त मस्त आ रही, ठंडी ठंडी एकदम मस्त वाली। और आगे बेर पुलिस नाका है, तो देखते हैं क्या करता है। पुलिस नाका आ गया तो पुलिस चेकिंग चल रही है, तो रोकेगी नहीं रोकेगी क्या करेगी, रोकेगी तो कोई डरने की बात नहीं, अपने पास सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट है। तो भाई को रोक लिया पुलिस वालों ने, गाड़ी को रोक दिया पुलिस वालों ने, कोई नहीं भाई अपन को नहीं रोका, चलो कोई नहीं चलते हैं आगे। काफ़ी टाइम बाद इस तरफ जाना हो रहा है, तो आज अपन अभी जा रहे हैं शास्त्री नगर, एक बंदे से काम है तो थोड़ा काम निपटा लेंगे और अपनी मोटर ब्लॉगिंग भी हो जाएगी। तो शाम के वक्त थोड़ा ट्रैफिक रहता है, कोई नहीं ट्रैफिक है तो है, क्या कर सकते हैं। अपन को जाना है अमृतोदय सर्कल से, और यहाँ पर पुलिस नाका है भाई, पुलिस नाके कितने आएंगे, हद ही नहीं जितने आएंगे, हद नहीं जितने। और ऊपर से रेड लाइट का तो कोई लफड़ा नहीं, ट्रैफिक का बहुत लफड़ा हुआ इधर। तो अभी अपन चढ़ते हैं ब्रिज, और ब्रिज चढ़कर करते हैं अपना काम। तो ये आगे अमृतोदय सर्कल और ये आगे ब्रिज। तो एक सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा था, जैसे हम लोग बैठते हैं तो बोल रहे थे भाई कौन सी वाली गाड़ी ज़्यादा तेल खाती है, टिक वाली गाड़ी टिक स्टार्ट करने पर तेल ज़्यादा खाती है या सेल्फ स्टार्ट करने पर तेल ज़्यादा खाती है, इस क्वेश्चन का आंसर मांग रहे थे सब लोग। तो बहुत रिसर्च कर मैंने पता किया, तो सनसेट हो रहा है आपके सामने, सनसेट बहुत ज़ोरदार वाला सनसेट हो रहा है, तो बहुत मस्त लग रहा है। शाम को 6 बजे, अभी सर्दी हो गई, सर्दी आने वाली है, तो जल्दी अंधेरा जल्दी पड़ जाता है, तो आज अपन राइड थोड़ी जल्दी की है, तो अभी सिटी की तरफ जा रहे हैं। हाँ तो अपन बात कर रहे थे कि कौन सी गाड़ी तेल ज़्यादा खाती है स्टार्ट करने वक्त, टिक वाली या सेल्फ वाली। तो अधिकतर अभी जो सुपर बाइक आ रही है वो सारी सेल्फ पर ही आती है। थोड़ा ट्रैफिक क्रॉस करते हैं फिर अपन बात करते हैं। तो भाई एक और पुलिस वाला खड़ा है, तो देखते हैं क्या करेगा, रोकेगा क्या करेगा। भाई साहब मोबाइल देखने में लगे हुए हैं। हाँ तो सवाल था भाई, लोगों कोई है किसी को पता तो वो लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जो लोग मिस्त्री हैं या जो शोरूम वाले हैं, जो बाइक है जैसे मेरी बाइक है RS 200, इसमें टिक खाई नहीं, तो क्या तेल स्टार्ट करने में ज़्यादा खाएगी, बिल्कुल नहीं, एक मत है भरम है, चाहे टिक से स्टार्ट करो चाहे स्टार्ट करो सेल्फ से, तेल तो बराबर ही खाएगी, मतलब बराबर ही जलेगा, ज़्यादा कम ज़्यादा कुछ नहीं, बराबर ही जलेगा। हाँ अगर आपका सेल्फ ख़राब है तो आप 1-2-3 बार लगाओ सेल्फ, तो तेल खाएगी आपका। अगर आपका टिक भी ख़राब है, अगर टिक 2-3-4 टिक लगाओगे तो ख़राब है तो तेल खाएगी। तो वैसे टिक व तेल सेल्फ से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, कहने का मतलब मेरा ये है। और ये अपन पहुंच गए हैं भक्त्रीकोटी सेकंड फेस साइट।
चुनाव आने वाले और सीएम की तरफ से मिशन राजस्थान मिशन 2030 प्रगति अब 10 गुना होर्डिंग लगे हुए हैं। तो अपन को जहाँ जाना है वहाँ अपन थोड़ी देर में पहुँचने वाला है, थोड़ी वहाँ बात करेंगे क्या है, तो फिर बात करके फिर आप लोगों से मिलेंगे। तो अभी मैंने काम निपटा लिया और काम निपटाने के बाद फिर अब निकला हूँ। तो अभी करीबन 8:30 बज गए, तो 8:30 अंधेरा हो चुका है। तो ब्लॉग भाई क्या कहूँ बाप को। तो देखते हैं कहीं ये आगे हम लोग MDM हॉस्पिटल के पास, तो MDM हॉस्पिटल से आगे निकलते हैं फिर आगे और बात करते हैं। तो अभी अपन रोटरी क्लब पर खड़े हैं और सामने बजरंग बली का मंदिर है, तो जय श्री राम बोलते हैं और फिर बजरंग बली के दर्शन करते हैं थोड़े से। जय श्री राम, रोटी के बालाजी की जय हो। तो अभी क्या हुआ कि कैमरा पता नहीं क्यों हैंग हो गया, पता चला ही नहीं क्यों हैंग हो गया, पता नहीं हो गया तो क्या कर सकते हैं। लाइफ में कहते हैं कुछ ना कुछ समस्या तो चलेगी चलेगी भाई, कुछ भी कर लो आप। तो अभी अंधेरा भी बहुत हो गया है, नाइट हो गई है, करीबन 9 बजने वाले हैं और अपन लोग इतना लेट पहुँच रहे हैं घर भाई। अब राइड पर निकलेंगे तो लेट वेट होगा भाई, क्या कर सकते हैं। तो आई होप आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक करो, एक प्यारा सा कमेंट करो। और अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल एडवोकेट राइडर को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को पुश करो, जिससे आपको और मज़ेदार ब्लॉग मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक